अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो मिल्क शेक बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक, वो भी आइसक्रीम के साथ। बहुत ही मजेदार होता है, बहुत ही तरावट और ठंडक देने वाली चीज है ये। तो ये गर्मियों के लिहाज से और इफ्तार के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच वनीला आइसक्रीम। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं डालना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम भी मीठी होती है और रूअफ़ज़ा भी मीठा होता है। तो यहाँ पे मैंने रूअफ़ज़ा ले लिया, आप चाहें तो रोज सिरप का भी यूज करते हैं, यहाँ कोई भी सिरप डाल सकते हैं आप अगर अलग फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया था तुकमलंगा भी बोलते हैं इसे, सब्जा शीट भी बोलते हैं। इसको मैंने 8 से 10 मिनट के लिए 4 से 5 बड़े चम्मच पानी में भिगो दिया था। ये अच्छा से फूल कर तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 2 बादाम और 2 से 3 मैंने पिस्ते इसको बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक ब्लेंडिंग जार, इसमें हम डालेंगे 2 गिलास ठंडा दूध, चिल्ड दूध लिया है मैंने बिल्कुल। ठीक है, हम 2 गिलास बना रहे हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे हमने जो आइसक्रीम ली है। आइसक्रीम आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको जैसी पसंद है। और इसमें हम ज्यादा चीनी नहीं डालेंगे, बस 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें चीनी डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह हनी भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे 2 से 3 चम्मच रूअफ़ज़ा, क्योंकि सब्जा भी ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत ही ज्यादा ठंडक देने वाली चीज है, पेट के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब, क्योंकि हमें इसको एकदम चिल्ड बनाना है और इससे हमारा मिल्क शेक बहुत ज्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। तो आप अपने जितना ठंडा पीना चाहते हैं उस हिसाब से आइस क्यूब डाल सकते हैं। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया था। मिल्क शेक हमारा बनकर तैयार हो गया, तो हम इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मग ले लिए हैं, इसमें हम इसको डाल देंगे। आप चाहें तो मग को भी डेकोरेट कर सकते हैं रूअफ़ज़े के साथ। अब इसमें ऊपर जो झाग आया है उसको भी हम ऐड कर देंगे चम्मच से निकालकर। मिल्क शेक मैंने अपने मग में डाल लिया है। अब इसमें हमने जो सब्जा सीट भिगो रखी थी वो ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जा डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम ऊपर से, कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अपनी पसंद के आप कोई भी आइसक्रीम ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। हमने वनीला आइसक्रीम ली है। और यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से कटे हुए, वो ऐड कर देंगे। देखिए हमारा सब्जा रूअफ़ज़ा मिल्क शेक हमारा बनकर तैयार हो गया है, और बहुत ही मजेदार, बहुत ही ठंडक देने वाला। आप इसको इफ्तार में बनाकर पी सकते हैं, या गर्मियों में या शहरी में भी इसको बनाकर ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी ये ड्रिंक है। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक, हमारे चैनल को पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह हम आगे आपको और अच्छी अच्छी रेसिपी और ड्रिंक की रेसिपीज देते रहेंगे। तो आप हमने कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।